19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर से पहले उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई राजनीतिक हिंसा अभी तक लगातार जारी है। इलाके के हिंसक परिस्थिति को देखते हुए यहां जगदल थाने को तोड़कर भाटपाड़ा थाने की स्थापना की गई है। गुरुवार दोपहर के समय इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उसके ठीक पहले इलाके में व्यापक बमबारी और गोलीबारी हुई है। बमबारी की चपेट में आने से एक किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। किशोर का नाम राम बाबू साव है। 2 गुटों के बीच हो रही बमबारी और गोलीबारी की चपेट में आने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके अलावा 2 और मृतकों की पहचान संतोष साव और धर्मवीर साव के तौर पर हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। घटना में 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनकी पहचान विनोद साव, अशोक कुमार साव, विक्रम वर्मा के रूप में हुई है। ये सभी काकीनाड़ा के रहने वाले हैं। इलाके में भीषण तनाव और संघर्ष की परिस्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। कॉम्बैट फोर्स को भी मौके पर उतारा गया है। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोपहर के समय शुरू हुई गोलीबारी और बमबारी करीबन 40 मिनट तक चली है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक नव स्थापित भाटपाड़ा थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद 4 और 5 नंबर रेल साइडिंग के पास नया बाजार मजदूर लाइन में सबसे पहले बमबारी की शुरुआत हुई थी। बताया गया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच बमबारी हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बम बरसाए हैं। कोई छतों से बम फेंक रहा था तो कोई खिड़की से, कहीं इमारतों की 4 दीवारी के अंदर से बाहर बम फेंके जा रहे थे। गोलीबारी भी हो रही थी। इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्योंकि आज ही भाटपाड़ा थाने का उद्घाटन होना था, इसलिए कई बड़े पुलिस अधिकारियों का आगमन होना था। इस बीच हिंसा की खबर मिलने के बाद बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय से सैकड़ों की संख्या में पुलिस की टीम डीसी जोन 2 आनंद राय के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद हिंसक हालात पर काबू पाया जा सका है। पुलिस ने बताया कि हालात फिलहाल नियंत्रण में है, हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है। गौर हो कि यहां रविवार से हिंसा की शुरुआत हो गई थी। सोमवार को भी जमकर बमबारी हुई थी। मंगलवार को एक भाजपा कार्यकर्ता को लक्ष्य कर गोली चलाई गई थी। गोली उसके पीठ में लगी थी। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में ही तनाव का माहौल है।